जीवन केवल घटित नहीं हो रहा है, जीवन आपको जवाब दे रहा है। आपने जो कुछ किया है उसके आधार पर आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये कहना था वर्ल्ड की एक सबसे फेमस बुक की राइटर रोंडा बर्न का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की एक सबसे बेस्ट सेलर बुक द सीक्रेट्स की बुक समरी और उसके टॉप 5 लेसन्स के बारे में, जो कि आपके लाइफ में आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव और अच्छा होने में मदद करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के समझिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, अट्रैक्ट बिलीव रिसीव द फॉर्मूला टू मेक योर डिज़ायर कम ट्रू। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस चीज़ को या फिर उस थॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद उसमें अपना पक्का बिलीफ लाना होगा कि हम ये चीज़ पा सकते हैं। और उसके बाद लास्टली, जब आप ये दोनों स्टेप को अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर लेंगे तो आपके पास सिर्फ एक लास्ट चीज़ बचेगी, वो है रिसीव और उस चीज़ को पाना। अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है तो सबसे पहले उस ख्वाब को या फिर उस डिज़ायर को एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में अपने दिमाग में ले लीजिए। सपोज करिए कि आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, लेकिन ये ख्वाब बहुत ही बड़ा डिज़ायर है। तो इसके लिए पहले आप एक शॉर्ट टर्म में उसको सोचना शुरू करिए कि मैं कैसे 100 रुपये या 1000 रुपये कमा सकता हूँ। और धीरे धीरे इनिशियली अगर आप इन्हीं स्टेप्स को लेते जाएंगे तो एक ना एक दिन आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। उसके बाद शुरू होता है बिलीव करने का प्रोसेस। हम में से काफ़ी सारे लोग अगर किसी काम को कंटिन्यूसली करते जाएं और उसमें रिजल्ट ना मिले तो हम कुछ समय बाद जाके डिप्रेस हो जाते हैं या फिर उस काम को छोड़ देते हैं और यहीं से हमारी सारी इच्छाएं मर जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने ऊपर बिलीव करें और जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली करते रहें तो इनिशियली एक ना एक दिन जाके हम उसमें सफल ज़रूर हो जाएंगे। और लास्टली आता है रिसीव। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को ढंग से किया और पूरी तरीके से अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट किया तो लास्टली कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आप एक ना एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेसन नंबर 2, हैव करेज टू सी योर ड्रीम्स। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ सोचते हैं कि हम उसे पा लेंगे तब भी आप सही होते हो, और जब आप कभी सोचते हो कि आप वो चीज़ नहीं पा सकते तब भी आप सही होते हो। अब इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें अपने ड्रीम्स के ऊपर विश्वास रखना होगा। हमें से ज़्यादातर लोग अपने ड्रीम्स को बस इसीलिए हार जाते हैं या फिर उन्हें अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमें अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा ही नहीं रहता है। और इसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर आपका कोई ड्रीम है और आप जाके उसे अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने किसी फ्रेंड्स को बताओगे जो कि काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो वो लोग ऑब्वियसली बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करेंगे कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि इस ऑर्डिनरी दुनिया में तुम कुछ अलग करके दिखा जाओगे, जहाँ पर जॉब्स लेने की और अपने CV को अच्छे तरीके से पॉलिश करने की भीड़ लगी हुई है कि कैसे हम एक अच्छी जॉब पा सके, वहाँ पर तुम कुछ अलग करने का सोच भी कैसे सकते हो। बट यही यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पर हमें ध्यान देना है और अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करते जाना है। भले ही हमें शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा ना मिले या फिर उसे कुछ रिजल्ट ना मिले, बट अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूसली करते जाओगे तो एक ना एक दिन जाके उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। लेसन नंबर 3, ग्रेटिट्यूड इज मैग्नेटिक। इसमें हमारे ऑथर कहते हैं कि उन्हें जो भी चीज़ उनके लाइफ में मिलती है, भले ही वो छोटी से छोटी अचीवमेंट क्यों ना हो, वो हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल और थैंकफुल रहती हैं। और वो कहते हैं कि यही एक बड़ा कारण है कि उनकी जो बैंक बैलेंस है या फिर उनकी लाइफ में जो समृद्धि है वो दिन प्रतिदिन इसी वजह से बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्सपेंड करने के बारे में सोचते रहोगे और उससे हमेशा एक पॉजिटिव वाइब जोड़ के रखोगे तो इनिशियली कभी ना कभी जाकर आपकी वो चीज़ सच जरूर हो जाएगी। इसमें रोंडा कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड ही सारे अट्रैक्शंस का बेस है। अगर जो चीज़ें आपके पास हैं उनमें आप कभी भी ग्रेटफुल नहीं हो पाते हो और उन चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाते हो तो जो आप पाना चाहते हो वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। वो कहती हैं कि हमें जो भी चीज़ें, हमेशा दिन में एक या दो बार उन सभी चीज़ों के लिए गॉड से या फिर एक सुप्रीम एनर्जी से थैंक यू बोलना चाहिए। अगर आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत ब्रोक हूँ, तो सच में यही रियलिटी बन जाएगी और आप कभी भी लाइफ में अमीर नहीं बन पाओगे। लेसन नंबर 4, योर अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि जो भी चीज़ हम इस दुनिया में देखते हैं या फिर महसूस करते हैं वो एक हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट डालता है और हमारी फीलिंग्स उन चीज़ों को नर्चर करती हैं। और आपके लाइफ में कोई भी इंसिडेंट का कोई भी पॉइंट सिर्फ आपका थॉट ही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव या फिर बेकार थॉट्स आना बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट हमको इन्हीं को और ज़्यादा कंप्रेस करना है जिससे ये हमारे ऊपर हावी ना हो पाए, और अपने इमोशंस को बैलेंस रखते हुए इन चीज़ों से बाउंस बैक करना है। लेसन नंबर 5,
लव इज द अल्टीमेट इमोशन। इस पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए मैग्नेट बनना है जो कि आप डिजर्व करते हो, तो सबसे पहले आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा लव। प्यारी समझ गई। हाँ, ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और अजीब टाइप का भी लगता है, बट ये सच है। आप खुद रिलेट करके देखिए, क्या हुआ होगा जब आपके क्रश ने आपको पहली बार हाय कहा था, या फिर जब आप पहली बार डेट पे गए थे, या फिर जब आपके किसी क्यूट से पपी ने पहली बार अपना छोटा सा हाथ आपके हाथों में डाला था। अब ये सब सोच के आपको यही लग रहा होगा कि वो सब मोमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और इसी तरीके से हमारा यूनिवर्स भी वर्क करता है, वो लव के फैक्टर पर ही वर्क करता है। अगर आप जो काम कर रहे हो या फिर आप जो चीज़ पाना चाहते हो, अगर आप उससे प्यार नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपको कभी भी मिल नहीं पाएगी। इसीलिए हमें अपने लाइफ के किसी भी सिनेरियो को हमेशा काम माइंड और लव से ही हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे पास एक चॉइस होती है, या तो हम उस चीज़ को हेटेड से सफ़र होकर पार करते जाएं, या फिर लव और कामनेस से उस चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल कर लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाना, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप और भी बुक समरीज देखना चाहते हैं तो हमने वो भी बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। और हमने और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना के रखी हुई है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। बाय।